नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके नर्सरी। आरके नर्सरी से मैं रमेश कुमार आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज जो है हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जो है यूरिया। तो किसान भाइयों, ये यूरिया आज हमारे लिए जहर बन गया है, और कैसे बन गया है हम इस चीज़ को आज आपको बताने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, सब आप जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमेशा नया नया वीडियो देखने के लिए हमारे एक बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो किसान भाइयों, हम टॉपिक पर आते हैं। किसान भाइयों, यूरिया जो है आज हमारे लिए जहर साबित हो रहा है। एक समय था 1965-66 में, जिस समय हरित क्रांति को लेकर के गवर्नमेंट यूरिया किसान तक पहुंचाई, और हर किसान को ये चीज़ प्रेरित किया जाता था कि आप जो है अपने फसल में यूरिया डालें, क्योंकि पैदावार को बढ़ाना। उस समय गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य था पैदावार को बढ़ाना, और पैदावार बढ़ा भी। उस समय धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, इन सभी चीज़ों को लेकर के पैदावार को बढ़ाना था, क्योंकि उस समय देश का स्थिति दयनीय था। अब यूरिया का जो लॉजिक है वो कुछ अलग है। आज यदि हम 1 किलो यूरिया डालते हैं तो आने वाला दिन में हमको 2 किलो डालना पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह यूरिया जो है बढ़ते जाता है 1965-66 से लेकर के आज तक। हम लोग जो है अपने दादा परदादा से यूरिया का यूज करते आ रहे हैं, और इतना यूरिया हम लोग अपने खेत में डाल चुके हैं कि आज हमारा भूमि जो है पूर्ण रूप से बंजर होते जा रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बैंगन, टमाटर, मिर्चा, कद्दू और भी बहुत ऐसे फसल हैं जो कि मर रहे हैं। किसान कितना भी ध्यान दे रहा है वो मर रहा है। तो इसीलिए केमिकल का यूज हमें करना है, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। पौधा को 5 किलो जरूरी है, तो हम वहाँ पर 5 किलो ही डालेंगे। अभी किसान भाई लोग क्या करते हैं कि जहाँ 5 किलो का जरूरत है वहाँ 50 किलो डाल देते हैं। तो पौधा का लेने का जो क्षमता है वो 40 से 50% 55% उतना ही पौधा लेता है, बाकी जो होता है वो कहीं ना कहीं से हमारा जो पर्यावरण है उसको प्रदूषित करता है, और उसी प्रदूषित के कारण आज यदि देखा जाए तो कोई भी किसी भी घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमार है, चाहे वो किडनी को लेकर के हो, चाहे लीवर को लेकर के हो, और गैस का बीमारी देखा जाए तो वो हर घर में है। क्योंकि जितना भी हम केमिकल के यूज करते हैं वो केमिकल जो है पौधा में जाता है, पौधा से पूरा पौधा में फैलता है, उसका फल जो है उसमें फैलता है, और धीरे 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 वो जो है पूर्ण रूप से एक जहर बन जाता है, जो कि प्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन उसी चीज़ को हम लोग चाहे बाजार से खरीद के खाएं या फिर हम खुद यूज कर रहे हैं उससे खाएं, तो वो हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं से नुकसान पहुँचा रहा है। तो किसान भाइयों, हम लोग यूरिया का उपयोग करेंगे, लेकिन कुछ अलग अलग तरीका से, और ज़रूरत जब पौधा को यूरिया की ज़रूरत है उसी समय हम यूरिया देंगे। अन्यथा हमारा जो है, हमारे जो भी दादा परदादा जो भी थे वो हमारे लिए क्या छोड़ करके गए, तो कुछ भी नहीं छोड़े, तो एक भूमि छोड़ करके गए जिससे हम उपजा के खा सकते हैं। लेकिन आज हमारे हम जो हैं वो अपने आने वाला पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे, कुछ नहीं, एक बंजर भूमि। यदि नौकरी है तो ठीक है, ऑर्गेनिक खेती भी उसमें नहीं कर पाएंगे। जब हमारा मट्टी जो है वो पूर्ण रूप से बंजर हो जाएगा तो उसमें कुछ उगेगा ही नहीं, हम लोग आधारित रहेंगे मार्केट पे। तो मार्केट से हमको क्या मिलेगा, वही जहर जो हम खा करके अपना सेहत बनाने की जगह बिगाड़ेंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूरिया का जो उपयोग है, एक समय था बहुत जरूरी था यूरिया का उपयोग हमारा पैदावार को बढ़ाने के लिए, लेकिन आज वही समय है कि हमको यूरिया का उपयोग बढ़ाना नहीं, घटाना है, और घटा करके हमको अपना मिट्टी को सुधारना है। किसान भाइयों,
हाल ही कुछ दिन पहले जो आप देख रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण आप सुने होंगे, उसमें मोदी जी हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। हम लोग जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभी भाषण में सुने कि यूरिया का जो उपयोग है उसको कम करें और ऑर्गेनिक अपनाएं, तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी का बात को रखते हुए हमें यूरिया के उपयोग को कम करना चाहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है हमारा वो कमजोर पड़ जाएगा। आज जो है हमारा भूमि जो है वो बंजर होते जा रहा है। तो किसान भाइयों, हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हम जो है अपने आने वाले भविष्य को क्या दे रहे हैं। हमारे बाप दादा हमें कुछ भी नहीं दिया तो गिफ्ट में कुछ ज़मीन दे दिया, जिससे कि हम उपजा करके कुछ खा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें भी अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ देने के लिए ज़मीन को बचाना होगा, और ज़मीन को बचाने के लिए केमिकल का उपयोग कम करना ही होगा। तो किसान भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि हमें यूरिया का उपयोग कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कब करना चाहिए। आज जो है मार्केट में यूरिया का लिक्विड फॉर्म भी अवेलेबल हो चुका है। तो किसान भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।